नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और मिथिला विवाह का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था। तो हम लोग यहाँ जो शादी होती है या विवाह होता है वो 4 दिन का होता है और सब जगहों में जैसे 1 दिन का होता है और नेक्स्ट डे दुल्हन की विदाई हो जाती है या सेम डे हो जाती है। तो हमारे यहाँ 4 दिन तक की शादी होती है, उसके बाद जो दुरागमन का दिन निकलता है या गौने का दिन, उसके बाद विदाई होती है। तो जैसे राम सीता की शादी जैसे आप लोगों ने रामायण में देखी होगी, तो वो उन्होंने यूपी स्टाइल की दिखा दी थी, उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये असली जो कहते हैं मिथिला का विवाह वो ऐसा ही होता है। तो इसमें सारी रस्में मैंने मतलब नहीं दिखाई हैं क्योंकि बहुत ही लंबा पूरे दिन गाना, सुबह मतलब 3 साढ़े 3 बजे 3:30 4 बजे गाना होता है, उसे पराती बोलते हैं, उसके बाद गौरी पूजा होता है, फिर शाम को मउहक होता है, फिर दुर्वा अक्षत होता है, मतलब यही सब रस्में चलती रहती हैं, लड़के को परेशान करना होता है। तो ये जो 4 दिन होते हैं इसमें अलग अलग तरह की रस्में होती हैं और रस्मों के दौरान अलग अलग तरह के गाने होते हैं जिसमें कि लड़के को, उनके परिवार को अच्छी तरह से हंसी मजाक में बहुत कुछ सुनाया जाता है। तो जब भगवान श्री राम नहीं बचे इन सब चीज़ों से, तो आजकल के लड़के या आजकल के दूल्हे कहाँ बचेंगे। तो इसमें कोई भी परहेज नहीं होता, चाहे वो राम जी हो चाहे कोई भी हो, सबको सुनना पड़ता है। तो एक तरह से पेशेंस का वो टेस्ट हो जाता है लड़कों का। तो कमल जी ने तो बहुत सुना था क्योंकि गांव में शादी हुई थी मेरी, तो गांव में बहुत अच्छी तरीके से सबने सुनाया था और आराम से वो इंजॉय कर रहे थे हर चीज़ को, हर एक रस्म को। खैर ये भी आराम से जो भी है रस्म सब कर रहे हैं। और जहाँ हम लोग रुके हुए हैं तो वहाँ पे ऊपर जो लोग रहते हैं तो वो भी मैथिल ब्राह्मण ही हैं, तो ज़्यादातर जो गाने होते हैं तो वो ही लोग अब गा रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत सारे गाने आते हैं। कुछ गाने तो मैंने अलग से रिकॉर्ड किए हैं सीखने के लिए, क्योंकि वो सब गाने बुक में नहीं मिलते हैं। तो खैर मैंने बहुत सारे गाने याद करके गई थी मैं, लेकिन बहुत वहाँ जाके लगा कि बहुत कम पड़ गए, लेकिन उन लोगों को बहुत सारे गाने आते थे तो ज़्यादातर वही गा रहे हैं, वही दोनों मम्मी और उनकी मम्मी हैं और बेटी हैं, दोनों ही एक्सपर्ट हैं। ये 4 दिन में से मैंने थोड़े थोड़े हर दिन का थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है। खैर ये सब बहुत खतरनाक खतरनाक गाने चल रहे थे और अभी दुर्वा अक्षत का टाइम आ गया है, तो ये शाम को दुर्वा अक्षत डेली होता है, उसमें 5 जो ब्राह्मण होते हैं वो दुर्वा अक्षत देते हैं। पापा दुर्वा अक्षत का मंत्र भूल गए थे, तो थैंक गॉड गूगल बाबा हैं, तो मंत्र उसमें से निकाल लिया और फिर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आजकल ज़रूरत कम पड़ती है दुर्वा अक्षत की, तो इसलिए भूल जाते हैं, लेकिन खैर काम चल गया। इम्हरा के दही लगा दे माथ में कने दर्जनी दर्जनी उंगली दर्जनी कहाँ कनिस भगलो करा मोती अरी बन दे
का चुम बसली माँ दुखिया करियन चुमा दस करे गुड़हर साजन सकल सलय गुड़हर साजन मालिक दे सुप्रहलाद मालिक दे सुप्रहलाद झुमी झुमी लालन के करियन चुमा गुड मॉर्निंग। और आज मेरे हाथ में ये किताब है, ये है गीतनाद वाली किताब, मिथिला का गीतनाद वाली किताब है। और ये किताब एक्चुअली किसी को मिल नहीं रही थी और ये मैंने देख लिया था कहाँ पे है, मेरी कजन्स वगैरह ढूंढ रही थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं जो गौरी पूजा होती है वो करवाना, और उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर का प्रोग्राम है तो देखती हूँ क्या है। दिखाऊं तुम्हारा इसका वजन? तो चलिए फिर अभी जो भी पूजा वगैरह हो जाती है उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। शादी के बाद डेली सुबह गौरी पूजा जब तक 4 दिन तक तो होती है, उसके बाद भी लड़की करती है थ्रू आउट लाइफ। और वही सुबह सुबह गौरी पूजा होगी और 4 दिन ये इस कलर के पिंक कलर के सिंदूर से होता है, इसे हम लोग भूसना सिंदूर बोलते हैं। उसके बाद रेड वाला सिंदूर चलता है। और जो 4 दिन शादी के 4 दिन तक जो कपड़े पहने होते हैं वही कपड़े पहनने होते हैं, मतलब पूजा वगैरह के टाइम। और 4 दिन के बाद नहाना होता है, 4 दिन तक नहाते नहीं हैं। और 4 दिन के बाद चतुर्थी होती है, तो चतुर्थी का टाइम एकदम सुबह सुबह का निकला है, तो सुबह सुबह पूजा होगी। तो वो बहुत अर्ली मॉर्निंग होगी इसलिए मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, तो उसके बाद ही ये लोग नहाएंगे, मतलब चतुर्थी में ही नहा धो के पूजा होगी, उसके बाद नए कपड़े पहनेंगे और उसके बाद ही नमक खाएंगे। मतलब 4 दिन से नमक नहीं खाया इन लोगों ने, और साथ में मैंने भी नहीं खाया क्योंकि जो विधकौरी होती है वो भी नहीं खाती है। ये एक रस्म होती है, इसमें लड़के से चोटी बनवानी होती है, मतलब चोटी बोलते हैं लड़के को गूंथने के लिए, उसमें चेक किया जाता है कि सही आता है कि नहीं, तो इनको अच्छी तरीके से आ रहा है। तो इसमें तीनों दामाद को सही से आता है, श्रेया के हस्बैंड मेरे ख्याल में उनको नहीं आती होगी चोटी वगैरह बनानी। तो खैर ये तो सर्वगुण संपन्न है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं मामी के घर के लिए, उनका घर पटना में ही है, तो एक गाड़ी में जितने लोग आए सब चल दिए। हमारे यहाँ दामाद वगैरह का वजन ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, बेचारे पैर छूते छूते उनका वजन कभी गेन कर ही नहीं सकते। ये मेरे मामा के सबसे छोटे दामाद हैं जो सबके पैर छूए जा रहे हैं, बेचारे सबसे छोटे हैं तो इसलिए सबके पैर छूने पड़ रहे हैं। आपको भी पैर छूना मौसा। एक्चुअली जब हम उनके घर पहुंचे तो मुक्ता निकल रही थी कॉलेज के लिए, कॉलेज पढ़ने नहीं पढ़ाने जाती है। चलो बाय। अब हम लोग अंदर आ गए हैं तो मामा के बड़े दामाद आए हुए हैं, तो वो भी सबके पैर छूते छूते बेचारे परेशान हो जाएंगे। फिर हम लोग घर लौट चुके हैं और हम लोग अपने जो डेली का हमारा काम है उसमें लग चुके हैं। महुआक होगा तो महुआक के टाइम में खीर वगैरह बनती है, मतलब सेम रिचुअल 4 दिन तक चलता रहता है। ठीक है।
नानी को हम बताते हैं मौसी को। अच्छा नंगे को बताओ परिहार है मोटे से मौसी ए झूठ नहीं बाजी है सबका साथ सत कह दे। अरे सही में मैं अब भाई हां हां अच्छा बात तो बोल दे बोल छे बियाह में रामा जब नहीं सब हे यो दुल्हा दुलड़ुआ पाछी मंगल ले अभी गौरी बनाने की तैयारी हो रही है चतुर्थी के लिए। तो इसके लिए जो भी आंचल में जो भी चीज़ें होती हैं चावल पैसे दुर्वा और सिंदूर की गड्डी वगैरह ये सब डाल के इसको बांध के तब कोई भी शुभ काम किया जाता है। तो उसके बाद कच्ची हल्दी से मैं गौरी बनाऊंगी और हम लोग के यहाँ गौरी और शिव इनका बहुत महत्व है। राम सीता का बहुत ज़्यादा वो है हर पर्व त्यौहार में या हर शुभ काम में इन लोगों का खास स्थान है। और अब गौरी बनाऊंगी मैं और उसके बाद मुंह बंद करके बनाना होता है मतलब बोलना नहीं होता। और पापा का बर्थडे था रात को सोने के लिए जा रहे थे तो हम लोग पापा को किसी किसी बहाने रोक रहे थे। कभी हम कह रहे थे भाप ले लो कभी कह रहे थे गर्म पानी से नहा लो कभी काढ़ा बना रहे थे ऐसे कर करके हमने पापा को 12 बजे तक रोका। और उसके बाद ये मेरी कज़न की बेटी है निम्मी उसने केक बनाया। नहीं है तो इसलिए भाग था हंस के मैंने कहा था रात को 12 बजे इसके ज्यादा उसका फेवरेट है ये। हाँ हाँ ये है क्या चीज है हमको जो भी है केक है ये आटे का हलवा है ये दिन भर मीठा खाते रहते हैं। वो क्या नाम है उसका इंस्टेंट जो राजा राजा अभी 5 मिनट के अंदर मैं सोच रही थी हो क्या रहा है मेला लग रहा है किचन में मेला भीड़ लगे नानी की कुछ बाबा मामी मोती मोती से बाबू बेओ पहले भी इसने उषा जी ने से बोला तो मैंने उषा जी को बोला कह रहा किसका बर्थडे हमारा किसी का बर्थडे पापा इसको देख रहे थे लाइट गिले से होता है। अरे पापा को कौन सा पता है पापा उतने जमाने के हॉस्टल में थे ना। अभी आधे लोग सो चुके थे क्योंकि वो जो पिंक साड़ी में बैठी हुई है वो मीना दीदी है तो वो सो चुकी थी और अचानक से सब हम लोग चिल्लाने लगे तो वो उठ गई क्या हो गया क्या हो गया। फिर देख रही है यहाँ पे जन्मदिन बन रहा है और भाभी खड़ी हैं जाने जाना है उन्हें दूसरे कमरे पे क्योंकि आधे लोग दूसरी जो दूसरी जगह कमरा ले रखा है तो वहाँ पर ठहरे हुए हैं। ये इधर स्टोर रूम है तो इधर विदाई विदाई का जो सामान वगैरह है वो सब अभी ट्रंक पूरा नहीं पैक किया है अभी चाची करेंगी क्योंकि ये तो मेरी जो बड़ी ताई हैं या चाची हैं वही करती हैं उन्हें पता है। एक ही बेर में जते हाथ में अबते तत्ते एक बेर में धान गिन के हाथ में एते एते आवे छे एते जल्दी जाय छे फूलों के डोली में होगी तू रुसे लेकिन महक मेरे सांसों में होगी दिल के छत। अब विदाई की तैयारी हो रही है और ये जो है ये ऊपर जिनके बारे में मैंने बताया था जो बहुत अच्छा गाना गाती है मिथिला पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं तो ये पीढ़ी होती है इसके ऊपर कुछ पेंटिंग की जाती है उसके बाद कुछ शायरी या कुछ फकड़ा बोलते हैं जिसे हमारे यहाँ वो लिखा जाता है वो भेजा जाता है ससुराल। इन लोगों ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। विदाई से कुछ देर पहले का है जब फोटोग्राफर को बुलाया था लेकिन मैंने अपने फ़ोन में भी कुछ कैप्चर कर लिया और मेरी हालत ऐसी हो रही है कि साड़ी में पिन लगाने का टाइम नहीं मिला और कंघी करने का मुझे टाइम नहीं मिला 2-3 दिन से ऐसे ही बस जुड़ा करके घूम रही हूँ।
क्योंकि अभी काम इतना ज़्यादा है तो सारा कुछ मतलब जो भी है विदाई वगैरह में कुछ छूटे ना वो सारी चीज़ें देखनी है, उस चक्कर में जैसे तैसे बस साड़ी लपेट लेती हूँ बस हो गया। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो हमने फ़ोन पे ली थी और बाकी जो कैमरामैन के उसमें तो बहुत सारे होंगे तो वो मेरे पास नहीं थी, तो जो मेरे पास थी तो वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब विदाई हम लोग की बहुत सिंपल होती है, बिल्कुल ही मतलब सिंपल तरीके से। खैर विदाई हो चुकी है और इस शादी में मतलब सब लोगों ने बहुत हेल्प की तो सभी को थैंक यू, और ये दोनों भाभियों ने भी बहुत हेल्प करी क्योंकि मेरी तबीयत तो ज़्यादातर ख़राब ही थी तो इन लोगों ने बहुत कुछ संभाला और मेरे फ़ोन में स्पेस कम था तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं और कवर नहीं कर पाई। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं फाइनली, मैं और मेरा पुत्र, और हम लोग पटना रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। और ये जो मंदिर है हनुमान मंदिर, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कभी ना कभी तो ज़रूर जाऊँगी, तो अभी तो खैर टाइम नहीं था। और ये जो पटना रेलवे स्टेशन है ये बहुत सुंदर है, तो लास्ट टाइम जब मैं पटना से हमने दरभंगा के लिए गाड़ी ली थी तो उस समय शायद ये नहीं बने थे, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक और भी बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे बनी है रेलवे स्टेशन पे, जो कि मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ है देखने के लिए। और सारे रेलवे स्टेशन भारत के मैंने देखे हैं कि कुछ सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, मतलब जो रेलवे स्टेशन हर जगह के गंदे वंदे रहते थे अब मतलब हर जगह के अच्छे हैं, दिल्ली के और झारखंड गई थी वहाँ के, पटना के और मतलब जो भी स्टेट्स के हैं बिहार के उन सब के भी मैंने देखे। उसमें मिथिला पेंटिंग अंदर बहुत जगह पे है, यहाँ पे जैसे सम्राट अशोक है आई थिंक, क्योंकि अशोक चक्र भी है साथ में, उसमें भगवान बुद्ध हैं, बोधि ट्री है, जो मतलब जिस स्टेट की जो खासियत है विशेषता है वो चीज़ें पोर्ट्रेट की हुई हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर कोई बाहर का भी बंदा आता है, भारत से बाहर का, तो ये चीज़ें मतलब उसको फैसिनेट करेंगी। और रेलवे स्टेशन वगैरह अब टूरिस्ट प्लेस लगते हैं, रेलवे स्टेशन नहीं लगते, बहुत साफ़ सुथरे, और जो वहाँ की मेन मेन चीज़ होती है वो उस पर मतलब अंकित होती है, उस पर बनी होती है। खैर अभिषेक जी अभी छोड़ने नहीं, हमें जाते समय मिलने आए हैं, तो मास्क पहन रखा है उन्होंने। और अब मैं दिल्ली पहुँच गई हूँ, काश बोलते बोलते ही दिल्ली पहुँच जाते इतनी आसानी से। और ये लिट्टी कुछ बची हुई है, ये जो मेरे मामा जी की बहू है शिल्पी, उसने बना के दिया था। और ये सब्जी कमल जी काट चुके हैं, कमल जी सब्जी बनाएंगे। और यश जी आते ही अपना अपने स्थान पे बैठ चुके हैं। और ये तो कमल जी की किताब पड़ी है। खैर अब मेरा कपड़े उपड़े धोने का काम होगा, मैं यश को बोल रही हूँ कि आप नहा लो नहा लो। और ये सब्जी कमल जी ने बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। तो कमल जी सब्जी चावल ही बनाते थे जनरली, दाल कभी कभार बनाते थे, तो दाल उन्होंने मुझे कहा बनाने के लिए, मैंने कहा कि अब कौन बनाएगा दाल, सब्जी चावल ही खा लेंगे। और इधर कपड़े मैंने पूरे बिखेर रखे हैं क्योंकि जितने भी कपड़े थे सब धोने हैं, चाहे यूज़ हुए हों चाहे ना हुए हों। और बाथरूम में अलग जो हाथ से धोने वाले कपड़े उनको अलग अलग करके ऐसे रखा है मैंने, ताकि कलर एक दूसरे में ना जाए। और मौसम थोड़ा सही नहीं है, मतलब धूप इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए ड्रायर में डाल दिया है। और मशीन भी साथ के साथ लगाई है मैंने, अभी कुछ दिन मेरा कपड़े धोने का ही कार्यक्रम चलेगा, तो इसलिए अभी रेगुलर व्लॉग अभी इसलिए मैं अपलोड नहीं करी क्योंकि कपड़े धोना कपड़े धोना कपड़े धोना बस यही रहेगा। तो खैर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।